हेलो एंड वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। आज मैं आपको दिखाऊंगी एगलेस चौको ऑरेंज क्रिंकल कपकेक। तो ये प्योर एगलेस है ये कपकेक्स। तो इस कपकेक के लिए जो जो चीज़ लगेगा वो है, मैदा लगेगा 1/2 कप प्लस 1 मैदा लगेगा 1/2 कप प्लस 1.5 टेबलस्पून। शुगर पाउडर लगेगा 1/4 कप। कोको पाउडर लगेगा 1 टेबलस्पून प्लस 1/2 टेबलस्पून। व्हाइट ऑयल जाएगा 1/4 कप। कंडेंस मिल्क लगेगा 2 टेबलस्पून। कर्ड लगेगा, दही लगेगा 2 टेबलस्पून। मिल्क लगेगा 3 टेबलस्पून। वेनिला एसेंस 1 टीस्पून एंड बेकिंग पाउडर लगेगा 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा जाएगा 1/4 टीस्पून। और ये मैंने ऑरेंज का चंक्स ले लिया है। देखिए ऐसा ड्राई चंक्स मिलता है ऑरेंज का मार्केट में, वो ले लिया मैंने। और लगेगा डार्क चॉकलेट चॉप्ड। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ एगलेस ऑरेंज चोको क्रिंकल कपकेक। तो मैंने एक बोल ले लिया है, तो पहले मैं वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करूँगी। मैं हैंड व्हिस्कर से करूँगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप बीटर से भी बीट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले मैं डाल दूंगी वाइट ऑयल, दही, वेनिला एसेंस, मिल्क, कंडेंस मिल्क। मैं ये वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करूंगी। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये प्योर एगलेस केक है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं छान के डालूंगी, तो इसके अंदर एरिएशन होगा तो फ्लफी बनेगा कपकेक्स। तो मैंने एक छन्नी ले लिया है, इसके अंदर मैं पहले डाल दूंगी मैदा, शुगर पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब मैं इसको एक साथ मिक्स करूंगी। तो देखिए इसको मैंने छान लिया है, अब मैं इसको एक साथ मिक्स करूंगी। देखिए ऐसा बनेगा कंसिस्टेंसी। बहुत ज्यादा व्हिस्क मत कीजिएगा तो ये ओवर बीटिंग हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आपको मिक्स करना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं फाइनली स्पैचुला से एक बार फोल्ड कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो देखिए बैटर इतना सा ठीक होगा। ठीक है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ड्राई ऑरेंज चंक्स।
डाल के इसको जस्ट फोल्ड कर लीजिए। ड्राई ऑरेंज चंक्स मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। ये जो कपकेक है इसको आप ओटीजी में बेक कर सकते हो, माइक्रोवेव में बेक कर सकते हो, या तो गैस में भी बेक कर सकते हो, इंडक्शन में भी बेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं कपकेक्स का जो कप है उसके अंदर ये बैटर को फिल करूंगी। तो देखिए मैंने ये डायरेक्ट बेक एंड सर्व इसमें ही हो जाएगा आपको। तो ऐसा मैंने कपकेक का कप ले लिया है। आप केक का बैटर को इस कप के अंदर डायरेक्ट डाल के डायरेक्ट बेक कर सकते हो एंड डायरेक्ट सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मैंने ले लिया है। आप चाहो तो बटर पेपर का जो लाइनर आता है कपकेक का वो भी ले सकते हो। तो अब मैं बैटर को डालूंगी। हाफ पोर्शन तक फिल करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है तो इधर से मैं थोड़ा सा कट करके इधर में डाल दूंगी। हाफ पोर्शन तक फिल कीजिएगा और हाफ पोर्शन क्या होगा, फुल के डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके मैं हर एक कप को फिल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 कपकेक्स हमारा रेडी हो गया है बेक करने के लिए। बैटर का जितना क्वांटिटी था उसमें से मेरा जो कपकेक का साइज है मेरा 5 कपकेक्स बना है। ठीक है, तो बैटर डालने के बाद ऐसे करके टैप कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके कप को टैप कर लीजिए तो उसमें क्या होता है, अंदर का जो एक्स्ट्रा हवा रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एक स्पून से ऊपर में हल्का सा इसको ऐसे कर दीजिए तो ये फ्लैटन हो जाएगा ऊपर में। बहुत इवन करना नहीं है, बस इसको ऐसे कर दीजिए तो थोड़ा सा ये इवन हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर में डाल दूंगी चॉप्ड डार्क चॉकलेट। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट ना हो तो आप चॉको चिप्स भी डाल सकते हो। अब मैं इसको गैस के ऊपर बेक करूंगी। आप चाहो तो ओटीजी में कर सकते हो, माइक्रोवेव में कर सकते हो, इंडक्शन में भी कर सकते हो, या तो गैस के ऊपर भी कर सकते हो। ओटीजी या तो माइक्रोवेव में करने के लिए 180 डिग्री में 25 टू 30 मिनट्स लगेगा। मेरा मशीन में उतना ही लगता है। मशीन को पहले 5 मिनट्स 180 डिग्री में प्रीहीट कर लीजिए, उसके बाद बेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको अभी आपको इंडक्शन में दिखाऊंगी। तो पहले मैं कढ़ाई को प्रीहीट कर लेती हूँ। तो मैं एक कढ़ाई लेके इसको प्रीहीट कर लिया है 5 मिनट्स इंडक्शन में। आप देखिए क्या करना पड़ेगा, इस कढ़ाई में ऊपर में एक छेद है, एक होल है, तो मैं एक ये फॉइल पेपर लेके इसको ऐसा कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे करके रख दूंगी तो ये पूरा एयर टाइट हो गया है। ठीक है, तो मैं कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम में। अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख दूंगी। ये देखिए मैंने एक स्टैंड रख दिया है इसके अंदर, और ये स्टैंड के ऊपर मैं एक जाली रख दूंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बैक टू बैक ये कपकेक्स का जो कप है वो रखती जाऊंगी।
अब मैं इसको फुल कवर कर दूंगी 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, तो इसको मैं मीडियम फ्लेम में बेक करके आपको दिखाती हूँ 25 मिनट्स के बाद। तो ठीक है, केक को मैं बेक करके आपको दिखाती हूँ 25 मिनट्स के बाद। फ्लेम को आपको ऑलवेज मीडियम पे रखना पड़ेगा। तो देखिए 25 मिनट्स हो गया है, अब मेरा केक भी बेक हो गया है पूरा। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से बेक हो गया है ये। तो अब मैं इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। गरम केक को कभी आप डिमोल्ड मत कीजिए, तो उसका जो अंदर का टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है। पहले इसको ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर में, उसके बाद इसको कट कीजिए। तो ठंडा होने के बाद मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो ये चॉको ऑरेंज क्रिंकल कपकेक पूरा रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया है ये। अब मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए ऊपर से चॉकलेट का चंक्स कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक कपकेक्स को कट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छे से आया है ये निकाल के। तो इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर का टेक्सचर एंड सॉफ्टनेस देखिए, ये देखिए। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, ये आपको घर में बनाइएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कितना अच्छा बना है आपका चॉको ऑरेंज क्रिंकल कपकेक्स। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नया रेसिपी के लेके। तब तक के लिए बाय बाय।